हाय एवरीवन, वेलकम टू जी क्रिएटिव जनरेशन। यहाँ इस वीडियो में हम सीखेंगे अपनी जीके जनरल साइंस वाली जो सीरीज़ हमने स्टार्ट करी थी उसी को आगे बढ़ाते हुए। सेकंड चैप्टर है ये माय फैमिली। माय फैमिली के बारे में हमने ईवीएस में भी वर्क किया है। अगर आपको रिटन वर्क, रिटन की रिक्वायरमेंट है तो आप वो वाली वीडियो, ईवीएस वाली सीरीज़ वाली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ओरली, ओरल कॉन्सेप्ट समझेंगे बच्चों से रिलेटेड कि उन्हें कैसे समझाएं आप बच्चों को, और उसी से रिलेटेड मैंने क्विज़ बनाई है। तो इस वीडियो को पूरा आप लास्ट तक देखिएगा और उस क्विज़ के आंसर कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, ओके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले ये जो पिक्चर्स बनी हैं, सपोज़ बच्चों को नहीं पता है तो आप उन्हें कैसे समझाएंगे? आप डायरेक्ट ये वीडियो भी उन्हें शो करा सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम कहाँ हैं, यानी कि मैं, अगर मैं अपनी फैमिली के इन बारे में इंट्रोड्यूस करूँ तो मैं कहाँ हूँ। सपोज़ यहाँ कोई अगर बॉय देख रहा है तो वो पहले खुद को ढूँढेगा, वो कहाँ है। ये देखो एक बॉय बना है, ये वाला, ये है वो खुद। जैसे जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो हैं और मैं हूँ। मैं आपको अपनी फैमिली के बारे बताऊँगी और आप अपनी फैमिली से उस चीज़ों को रिलेट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आप या मैं, हम दोनों एक ही, ठीक है। ये हो गया मैं, यानी कि माई सेल्फ। तो अपने आप को हम क्या बोलेंगे? माई सेल्फ। अब ये कौन है हमारे? ये हैं मम्मी, ये हैं पापा, ओके। और मम्मी पापा के अलावा भी तो फैमिली में कोई होता है। ये हमारे हैं छोटा बेबी और ये हैं हमारी सिस्टर, मतलब एक बेबी है और एक सिस्टर है। कोई बेबी हो सकता है या आपसे बड़ा भी कोई भाई हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फैमिली। अब ये लोग जो हैं, ये कौन है? ये आपके पापा के मम्मी पापा हैं, ठीक है। माँ पापा के कौन है? मम्मी पापा हैं। तो एक इतने लोग हो गए, ये तो होते हैं फैमिली में, ठीक है। और कौन होता है? पापा के जो ब्रदर होते हैं, उनके भाई होते हैं, वो भी तो होते हैं, ठीक है। ये उनका बेबी है, ये उनकी वाइफ है, ठीक है। ये बेबी जो है इसके मम्मी पापा हैं, जैसे आपके मम्मी पापा हैं, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है कि चाचा चाची मम्मी पापा ये वाले लोग आपके साथ हैं, लेकिन आपके मम्मी पापा और आपके दादी दादाजी वो आपके साथ रहते हैं, ठीक है। तो आपके क्या हो गए? ये छोटा बेबी है लेकिन ये बड़ा भी हो सकता है। जैसे कि इन, ये आपके मम्मी पापा की फैमिली, इनके बच्चे, वैसे ही ये वाला बच्चा जो है ये इनका है, इन दोनों का बेबी है, ठीक है। अब ये सब लोग कहाँ रहते हैं? ये सब लोग आपके साथ रहते हैं, तो ये आपकी फैमिली का पार्ट होगा। जब एक साथ लोग रहते हैं, एक दूसरे की चीज़ें शेयर करते हैं, एक दूसरे के काम में हेल्प करते हैं, तो उसको हम फैमिली कहते हैं। अभी हमने बस इतना ही समझना है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ये मम्मी पापा हैं इनके, ठीक है, ऐसे ही ये वाले भी मम्मी पापा हैं। और आपके मम्मी पापा, ये आप हैं तो आपके मम्मी पापा ये हैं। अब इनको कहते क्या है? देखो, मम्मी को बोलते हैं मदर। क्या बोलते हैं? मदर, MOTHER, मदर। अब फादर, पापा को कहते हैं FATHER, फादर, ठीक है। अब बेबी, छोटा सा बेबी है लेकिन वो आपका भाई है, तो हम बोलेंगे ब्रदर, BROTHER, ब्रदर। देन आपकी सिस्टर, SISTER, सिस्टर, जो आपके साथ खेलती है, बुक शेयर करती है, आप सब तीनों मिलकर खेलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपकी फैमिली। अब आते हैं ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, यानी कि दादी जी और दादाजी, GRANDY, ग्रैंड मदर, GRANDY, ग्रैंड फादर। ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर मीन्स, ग्रैंड मदर मीन्स दादी जी, ग्रैंड फादर मीन्स दादाजी, ये हमारी फैमिली के साथ ही रहते हैं। अब ये पापा के जो भाई हैं, अंकल हैं, जिन्हें हम चाचा जी और उनकी वाइफ को चाची जी भी कहते हैं, ठीक है। उनका बेबी है जो आपका कज़िन हुआ। अब उनको क्या कहते हैं इंग्लिश में? उनको अंकल और आंट बोलते हैं, अंकल और आंट, UNCLE, अंकल, और AUNTY, आंट। और इनके बेबी को हमारा क्या रिलेशन हुआ? कज़िन हुआ। तो वो भी तो आपकी फैमिली के साथ मिलता है, मतलब आप चारों लोग, आप, बेबी, आपकी सिस्टर और आपका कज़िन, सब मिलकर बहुत सारे मज़े करते हैं घर में, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फैमिली।
पूरी कंप्लीट। अब ना इनके वर्क देखते हैं कि ये सब लोग करते क्या क्या हैं, जैसे दादी जी दादा जी क्या करते हैं, ये अंकल आंट ये सब क्या करते हैं, ये जहाँ जितने सारे बच्चे दिए हुए हैं आप ये सब क्या करते हैं, मम्मी पापा ये सब क्या करते हैं। तो आपको पता होगा कि जो ये मम्मी पापा हैं उनमें मम्मी क्या करती हैं, मम्मी जो हैं वो घर के मोस्टली वर्क करती हैं, कुकिंग करती हैं और आपके लिए वॉशिंग करती हैं, क्लोथ्स वॉशिंग करती हैं, सारी क्लीनिंग करती हैं, घर का खाना सारा काम मोस्टली कौन करती हैं, मम्मी करती हैं। पापा क्या करते हैं, पापा जितने भी उनके वैसे काम होते हैं, जैसे बहुत से बच्चों के पापा स्कूल जा टीचिंग भी करते हैं, टीचर होते हैं, किसी के पापा डॉक्टर होते हैं, किसी के पापा बैंक में जाते हैं, जॉब करते हैं। तो बेसिकली पापा जो हैं वो जॉब करते हैं, लेकिन कोई ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि बच्चों के पापा ही जॉब करें। मम्मी भी तो कहीं जाती हैं, मम्मी भी तो टीचर हो सकती हैं, मम्मी भी डॉक्टर हो सकती हैं, मम्मी भी कुछ भी कर सकती हैं, तो दोनों लोग साथ में काम करते हैं। अब ये आप हैं, ठीक है, आप बताएंगे मुझे कमेंट करके आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, ठीक है, अपना नाम लिखना और कमेंट करना, ठीक है। तो मुझे बताना आपके मम्मी पापा क्या क्या काम करते हैं। अब ये हो गया, मम्मी पापा दोनों मिलकर काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप देखा होगा कि पापा भी तो आपकी हेल्प करते हैं ना, जब आप स्कूल जाते हैं उसमें आपको तैयार करने में, आपको स्कूल के लिए आपका लंच बॉक्स प्रिपेयर करने में पापा भी हेल्प करते हैं कभी कभी मम्मी के साथ, और मम्मी भी ऑफिस जाती हैं या मम्मी भी ऑफिस का काम करती हैं, ऐसा बहुत से बच्चों के साथ होता है, ठीक है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। अब आए आप लोग, ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, बेबी क्या करता है, बेबी छोटा बेबी है तो अभी क्या करेगा घर में, सिर्फ वो घर में रहता है, खेलता है, खाता है और सो जाता है, ठीक है, उसका काम ये है। सिस्टर क्या करती है, वो आपके साथ स्टडी करती है, स्कूल जाती है और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने डॉल्स के साथ, अपने टॉयस के साथ खेलती रहती है, जैसे बेबी के साथ, आपके भाई के साथ और आप सब मिलकर खेलते हैं, ठीक है। ये हो गए आप सबके काम, आपका काम और सिस्टर का काम मोस्टली सेम होता है। अब दादी जी और दादा जी क्या करते हैं, मतलब ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर क्या करते हैं, तो ग्रैंड मदर जो है वो मदर की हेल्प करती हैं, मतलब आपकी दादी जी आपकी मम्मी की हेल्प करती हैं घर के काम में या जो भी वर्क होता है उसमें। और दादा जी क्या करते हैं, वो अपने न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ गपशप करते हैं, आपको स्टोरी सुनाते हैं, हाँ दादी जी और दादा जी मिलकर आपको स्टोरी भी तो सुनाते हैं, आपके साथ खेलते हैं, आपके साथ बातें करते हैं बहुत सारी, है ना। तो ये हो गया आपका, आपके दादाजी और दादी जी का वर्क कंप्लीट। ऐसे ही सेम जैसे आपके मम्मी पापा काम करते हैं वैसे अंकल आंटी ये सब लोग भी काम करते हैं। अब यहाँ पर है कुछ क्वेश्चंस, उनको बहुत अच्छे से सुनना है और फिर इसके आंसर आपको बताने हैं। पहले मैं बताती हूँ आपको, हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे ये पूरी फैमिली इसमें देखो कितने सारे मेम्बर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे 10 हैं। तो आप कमेंट करके बताएंगे आपकी फैमिली में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, ओके। हु इज़ यंगेस्ट मेम्बर इन योर फैमिली, सबसे छोटा फैमिली मेम्बर इस फैमिली में कौन है, सबसे छोटा, देखो ये ब्रदर है ना आपका, छोटा बेबी है ना, ये सबसे छोटा है, यंगर मीन्स छोटा वाला, छोटा फैमिली मेम्बर कौन है, यहाँ पर ब्रदर है। आपकी फैमिली में सबसे छोटा कौन है, क्या पता आप ही सबसे छोटे हों, तो ये पता लगाना है आपको, और वो बात भी मुझे कमेंट करके बतानी है तभी तो मुझे पता चलेगा, ठीक है। ये हो गया ब्रदर वाली बात। अब क्या है, व्हाट इज़ योर फादर नेम, ये तो सारे बच्चों को पता होगा, सबको पता होगा कि उनके मम्मी पापा का नाम क्या है, अगर नहीं पता है तो आपको याद करना है अपने मदर फादर का नेम विद उनके फ़ोन नंबर के साथ, मम्मी का फ़ोन नंबर या पापा का फ़ोन नंबर, ओके, ये वाली बात आपको अच्छे से याद करनी है। तो अब आपके लिए वर्क ये है कि जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे उनका आंसर आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में देंगे, अपना नाम लिखेंगे और उसका बस आंसर लिख देंगे, ठीक है। उन जो बच्चे भी वो इन सब का आंसर देंगे, इस वीडियो का आंसर देंगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका नेम मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मेंशन करूँगी, उनको बड़ा सा शाउट आउट मिलेगा, ठीक है। तो मैं वेट करूँगी आपके आंसर का, आई होप आपको सब समझ आया होगा। ये हम पढ़ रहे थे माई फैमिली के बारे में, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।